आज की वीडियो में आपको राजू श्रीवास्तव की वाइफ शिखा के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज के दिन कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव कार्डियक अरेस्ट के कारण हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। जहां पर हम सब उनकी रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा होपफुल थे, वहीं सबसे ज्यादा जो होपफुल थी वो थी उनकी वाइफ शिखा श्रीवास्तव। राजू के जाने के बाद उनकी वाइफ शिखा बहुत ही इनकंसोलेबल हैं और वो बहुत ज्यादा टूट चुकी हैं। राजू श्रीवास्तव की डेथ के बाद उनकी वाइफ ने स्टेटमेंट दी है और उनका कहना है कि राजू श्रीवास्तव पिछले 41 डेज से हॉस्पिटल में अपनी जंग लड़ रहे थे। उनका कहना था कि पिछले 1 से 1.5 महीने से दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे थे। पहले भी उनको हार्ट अटैक आया था, लेकिन वो उससे कुछ निकल गए थे और वो कुछ बेहतर होने लगे थे और हम कल तक इसी होप में थे कि वो बेटर हो जाएंगे और वो बाहर आ जाएंगे। उनका कहना था कि वो अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज्यादा प्रेयर्स कर रही थी कि वो इस सब से बाहर आ जाएं, वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाएं और वो एक दफा फिर से अपनी लाइफ को दोबारा से जिएं। उनका कहना था कि वो अपने हस्बैंड के बारे में ये जरूर कहेंगी कि उनके हस्बैंड ने बहुत अपनी जंग बहुत ज्यादा हार्ड वे में लड़ी है। उनका कहना था कि वो चाहती थी वो आए लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी अपने हस्बैंड को एक ट्रू फाइटर कहेंगी क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट 41 डेज हॉस्पिटल में अपनी जंग को बहुत ज्यादा मुश्किल से लड़ा है। सिर्फ राजू की वाइफ ही नहीं, राजू की नेफ्यू कुशाल श्रीवास्तव ने भी कहा है कि पूरी फैमिली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि वो ठीक हो जाएंगे क्योंकि उनकी कंडीशन दिन ब दिन बेटर हो रही थी, लेकिन आज एकदम से उनको फिर से कार्डियक अरेस्ट आया और जिसके कारण वो अब हम सबको छोड़कर चले गए हैं। राजू श्रीवास्तव के जाने पर पूरा बॉलीवुड इस समय शोक में है। नरेंद्र मोदी ने भी उनके लिए ट्वीट किया। इसके अलावा बहुत सारे एक्टर्स अजय देवगन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, राजपाल यादव और भी बहुत से सेलिब्रिटीज उनके जाने पर बहुत ज्यादा दुखी हैं। हम आशा करते हैं कि उनकी फैमिली इस गम में से जल्दी बाहर निकल आए। आप राजू श्रीवास्तव की फैमिली को क्या कंसोल करना चाहेंगे हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।